नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज, योर एजुकेशनल पॉड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमारे जो कैपिलिटी का पार्ट वन था उसमें हमने स्टडी किया कि कैपिलिटी क्या है और उसके इवेंट कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन के बारे में हमने जाना। और साथ हमने फाइंड किया वहाँ पे हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब दोनों केसेस में, ठीक है, और उनका एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम उनसे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है जो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम प्रॉब्लम को। यहाँ से प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन ए ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर व्हेन इमर्ज वर्टिकली इन वाटर। फर्स्ट केस है वाटर का, सेकेंड है मर्क्यूरी, ठीक है। इन कॉन्टेक्ट विद टेक सिग्मा, जिसमें सरफेस टेंशन क्यों लिखा है 0.0725 न्यूटन पर मीटर वाटर के केस के लिए एंड सिग्मा इक्वल टू 0.52 न्यूटन पर मीटर फॉर मर्क्यूरी इन कॉन्टैक्ट विद एयर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मर्क्यूरी इज 13.6 एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 130 डिग्री। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा गिवन है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा, ठीक है। हमेशा यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आप जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है। तो मेरे पास डेटा क्या गिवन है, स्टार्टिंग में डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन डायमीटर ऑफ ट्यूब कितना गिवन है आपको 2.5 mm। ये सब मीटर में, तो इसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो अपना हो जाएगा 2.5 × 10⁻³, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमें गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी गिवन है आपको 13.6, ठीक है। तो जब हमने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, उसमें हमने जाना था स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या होता है, आपका डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें डेंसिटी फाइंड करना है मर्क्यूरी की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा अपना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और इस केस में अपन लेते हैं वाटर, ठीक है। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000 kg/m³। यहाँ से उनके पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, kg/m³। क्लियर यहाँ से। उसके अलावा हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, सरफेस टेंशन वाटर के केस के लिए और मर्करी के केस के लिए, ठीक है। चलिए अपन केस फर्स्ट के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है, जब ट्यूब आपका किसमें इमर्ज है वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम केस फर्स्ट, कैपिलरी राइज फॉर वाटर, राइज फॉर वाटर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वाटर ग्लास जो इंटरफेस है उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कितना होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में अब आप यहाँ से हम फाइंड करते हैं हाइट ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। तो प्रीवियस लेक्चर हमने जो डिराइव किया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आपका 4σ cos θ / ρgd, ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, और डी क्या हो गया यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और जी आपका हो गया ग्रेविटी टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ से 4 × ठीक है। अब वाटर के केस के लिए हमने देखा था वाटर के केस के लिए कितना गिवन है आपके पास, जो सरफेस टेंशन है वो आपका 0.0725 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो उसका हम पुट करते हैं यहाँ पे 0.0725, ठीक है। अब हम जानते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री होता है आपका 1, ठीक है, इंटू 1 / रो की वैल्यू क्या होगी, वाटर के केस के लिए बात करें हम तो वाटर के केस में रो की वैल्यू क्या होगी 1000 kg/m³, ठीक है। तो 1000 × जी की वैल्यू हम जानते हैं 9.81, और यहाँ से हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁶
माइनस थ्री, ठीक है। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 0.0118 मीटर, ठीक है। वही इसको मैं कन्वर्ट करूँ सेंटीमीटर में तो हो जाएगी आपकी h=1.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गई हाइट ऑफ द ट्यूब लिक्विड फॉर वाटर के केस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड, तो केस सेकंड में क्या देख रहे हैं अपन, कैपिलराइज फॉर मर्क्यूरी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है मर्क्यूरी केस के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी वैल्यू गिवन अपने को 130 डिग्री, ठीक है। अगर अपने पास ये वैल्यू गिवन नहीं होती तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू जो अपन लेते हैं वो होती है आपकी 128 डिग्री, ठीक है, बट यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं कैपिलराइज फॉर्मूला क्या था अपने पास, वही 4σcosθ अपॉन ρgd, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं अपन 4 into, अब सिग्मा की वैल्यू, यहाँ से सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने देखा था यहाँ पे वाटर केस के लिए कितना था 0.0725 और मर्क्यूरी केस के लिए कितना है 0.52 न्यूटन मीटर फॉर मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ से हम पुट करते हैं तो अपने पास क्या होगा 4 into 0.52। अब हम जानते हैं यहाँ से कोस 130 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होगी आपके कुछ नेगेटिव ही वैल्यू होगी, ठीक है। अभी एक बार के लिए हम पुट करते हैं अपन कोस 30 डिग्री, जिसको अपन केएल से हेल्प से सोल्व करेंगे तो पास वैल्यू आएगी, ठीक है। और डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, अभी अपन ने फाइंड किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन जी की वैल्यू 9.81 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.5 × 10⁻³। ले यहाँ से ओके, अब यहाँ से इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है आपकी -0.04 मीटर और -0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन की जो माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन किस वजह से आया, कोस 130 की वैल्यू की वजह से आया। और यहाँ पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर द नेगेटिव साइन इंडिकेट द कैपिलरी डिप्रेशन, तो लिख सकते हैं अपन द नेगेटिव साइन इंडिकेट द कैपिलरी डिप्रेशन, ठीक है। आई होप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से आपका जो कॉन्सेप्ट था कैपिलराइज का वो अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जानते हैं कैपिलरिटी के एक और फिनोमेना एनुलर कैपिलरिटी के बारे में, ठीक है। तो एनुलर कैपिलरिटी में एक एनुलस होगा, ठीक है, जिसके उस एनुलस में क्या होगा, लिक्विड राइज या फॉल होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में उस डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कोई लिक्विड लिया किसी कंटेनर में, ठीक है, जैसा कि हम कैपिलरिटी के केस में करते आए थे, एक ट्यूब में हमने इंसर्ट किया, ठीक है, इसकी को डायमीटर होगी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी सॉरी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, हमने एक रोड, एक सॉलिड रोड जो कि इस ट्यूब में कंसंट्रेट किया आपे, ठीक है, इसके सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इस जो रोड की डायमीटर है वो आपकी स्मॉल आर वन और जो ट्यूब की डायमीटर है इसके सेंटर से वो क्या है आर टू, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब ये जब लिक्विड राइज होगा तो लिक्विड इस सॉलिड जो अपने पास बॉडी है इसमें राइज नहीं होगा जो रोड है, क्योंकि ये क्या आपका सॉलिड है, ठीक है, और जो ट्यूब है वो कैसी है, हॉलो सेक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस जो रोड है इसकी पेरिफेरी पे क्या होगा, लिक्विड राइज होगा, ठीक है। अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, उसके टॉप व्यू से देखें हम, तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, यह आपकी हो गई रोड, ठीक है, और यह आपके हो गया, ठीक है, ये ट्यूब। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यह आपको क्या बन रहा है, एक तरह से एनुलस वाले जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये रोड की जो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है किसी ट्यूब में वो कर्वेचर फॉर्म में होती है, ठीक है, और यहाँ पे किसी फॉर्म बना रही है, मेनिस्कस फॉर्म बना रही है, कॉनकेव शेप में, ठीक है। जैसे हमने पिछले कैपिलरी केस में अपन देख चुके हैं यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक आपका है सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसके यहाँ पर भी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लिक्विड का सेल्फ वेट, क्लियर है यहाँ से। अब इसके एक्सप्रेशन को थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, स्मॉल आर वन, और ये डायमीटर होगी आपकी आर टू।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लिक्विड राइज होगा वो किस पार्ट में राइजेगा, ओनली आर टू माइनस आर वन में। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इनके जो दोनों फोर्स को बैलेंस करते हैं, एक फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो ड्यू टू सेल्फ वेट, और सेकंड फोर्स आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से जो टर्म आते हैं पास में थीटा, तो थीटा हो गया आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अपन दो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उन दोनों को हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अपन फोर्स बैलेंसिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या फोर्स होंगे आपके, सिग्मा कॉस थीटा इंटू टू पाई आर वन। ठीक है, क्योंकि जो सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इसकी पेरीफेरी पे लग रहा है। ठीक है, और दूसरा होगा आपका सिग्मा कॉस थीटा टू पाई आर टू। ठीक है, और जो दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हम जानते हैं वेट ऑफ लिक्विड क्या होता है आपका, रो वी जी। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं वेट ऑफ लिक्विड क्या होता है आपका, स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वेट क्या होता है, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट किया हमने। अब यहाँ से हम देखते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस केस की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस केस के लिए जो एरिया है जहाँ पे लिक्विड फ्लो रहा है वो एरिया क्या होगा आपका, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट में क्या हो रहा है आपका, लिक्विड राइज हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन का स्क्वायर, एक तरह से एनुलस का एरिया हो गया। ठीक है, और ये आपकी होगी हाइट। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो रो यहाँ से हो जाएगा आपका पाई आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर इंटू एच और जी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, ये वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो यहाँ से देखते हैं अपन, यहाँ से बस क्या कॉमन आ रहा है, टू पाई सिग्मा कोस थीटा इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या होगा आपका, रो पाई। अब हम जानते हैं ए, आपने पढ़ा होगा पहले भी मैथमेटिक्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास में, आर टू प्लस आर वन। ठीक है, और आर टू माइनस आर वन इंटू एच जी। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से हम बाकी सॉल्व कर दो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से फाइनल रिलेशन क्या आ गया, हाइट ऑफ द लिक्विड विच इज़ राइज इन द ट्यूब एच इक्वल टू टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर टू माइनस आर वन। ठीक है, तो आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए आया ये, एनुलर कैपिलरी केस के लिए। ठीक है, ये कभी कभार कंप्यूटर एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन इसका एक्सप्रेशन के बारे में, और ये किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपका एनुलर कैपिलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो कैपिलरी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा, आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।